किसी की आँख खराब हुई और माँ का दूध और नीर लगाने से उसकी आँख ठीक हो, दिखाई नहीं पड़ता है, तो इस बट वृक्ष का दूध डालने से उसकी आँख की रोशनी पुनः वापस आ जाती है। मैं UGC नेट की परीक्षा 7 बार दे चुका था और सिलेक्शन मेरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं माता जी के आशीर्वाद से एक बार गया और कुछ नहीं पढ़ करके गया था, लेकिन उस बार अपने आप कम से कम मान चलिए अच्छी मेरिट में मेरा सिलेक्शन हुआ है, इससे बड़ा प्रूव क्या हो सकता है। माता का कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि बिना बच्चेदानी के उसके 2-2 बच्चे हो गए माता जी का, यहाँ पर इतनी बड़ी महिमा है। अभी इस वक्त हम गोंडा जिले में हैं और जब भी बात होती है गोंडा जिले की तो चाहे जो हो और चीज़ों का नाम लिया जाए या ना लिया जाए, लेकिन धार्मिक स्थलों में माँ बाराही देवी यानी उत्तरी भवानी का नाम जरूर लिया जाता है। इसकी महिमा ही इतनी अपरंपार है कि कोई रह ही नहीं पाता है बिना इसका नाम लिए यहाँ आए। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये माता का दरबार है, यहाँ आप ऊपर देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है माँ बाराही दरबार में आपका स्वागत है। यहाँ पर जितने भी पीड़ित असहाय आते हैं उनकी कहीं सुनवाई हो ना सुनवाई हो, लेकिन ये इकलौता एकमात्र दरबार ऐसा है जहां सुनवाई जरूर होती है। यहां जो पुजारी हैं जो माता का ख्याल रखते हैं, जो पूजा पाठ का सारा काम करते हैं, देखभाल करते हैं, यहां पर साफ सफाई से लेकर मां की सेवा जो करने का काम है वो करते हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माता की जो महिमा है वो कितनी अपरंपार है, क्या कुछ लोग जानते हैं और जो दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं नहीं, उनका क्या विश्वास होता है, उनकी आस्था कितनी होती है और तमाम सारी चीजों पर हम बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर नबीस पर। ये माँ बाराही देवी का मंदिर है जी। भगवान का जो तीसरा अवतार हुआ है, पहला मत्स्य, दूसरा कूर्म कच्छप का, तीसरा जो बाराह का अवतार हुआ पस्का सूकर क्षेत्र में, उस समय हिरणाक्ष नामक राक्षस जो बहुत आतंक फैलाए हुए था पृथ्वी पर, वो पृथ्वी को ही चुरा ले गया था। तो भगवान बाराह जब अवतरित हुए पस्का सूकर क्षेत्र में तो उन्होंने माँ बाराही की आराधना की और यहाँ माँ बाराही अवतरित हुई, हिरणाक्ष नामक राक्षस को मारकर पृथ्वी का उद्धार किया है। तब से ये मंदिर है, त्रेता युग से ये मंदिर है माता जी का। ये जो इस समय नदी दिखाई पड़े, अब इस समय इसे सुखनई बोलते हैं, पहले ये सरयू नदी होया करती थी, और तब से ये मंदिर है माता जी के। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी मान्यता हो माता जी पूरा करती हैं। दुर्गा सप्तशती में इनका एक श्लोक है, गृहे तो गृहमा चक्र दृष्टो तम वसुंधरे बाराह रूपड़े शिवे नारायणी नमोस्तुते, अब सीधा लक्ष्मी का अवतार है। और दुर्गा कवच में भी इनका एक श्लोक मिलता है, आयु रक्षत बाराही धर्म रक्षत वैष्णवी, मतलब कलयुग में आयु की रक्षा करने वाली माँ बाराही हैं और धर्म की वैष्णव। अच्छा, आपने बताया कि ये जो मंदिर है त्रेता युग से है, यहाँ पर उसके बाद से क्या क्या चीज़ें बदलने को ज़रूरत है और जो और इसके अलावा क्या क्या बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ, पहले क्या था, अब ये रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी, बहुत कुछ भौतिक सुविधाएं नहीं थी। माता जी तो तब भी थी और आज भी हैं, लेकिन ये जो भौतिक सुविधाएं ये नहीं थी, और धीरे धीरे विकास हो रहा है, बदलाव भी हो रहा है, बहुत कुछ बदल चुका है। आप जहां खड़े देख सब इंटरलॉकिंग भी हो गया, लाइट भी आ गई, मंदिर भी बनकर तैयार हो गया। फिलहाल जो कुछ काम बाकी है वो अनवरत चल ही रहा है उसमें। कितना दिन हो गया माँ की सेवा करते हुए यहाँ पर? हमारे यहाँ तो हमारे पूर्वज सेवा करते आ रहे हैं, मान लीजिए हम लोग जन्म से ही यहाँ सेवा कर रहे हैं भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी चल रही है यहाँ पे पूजा पाठ करते हुए माता जी का। कुछ विशेष अनुभूति हुई कभी? जी बिल्कुल, माँ की सेवा में जब बैठे वहाँ पे माता जी का पूजा पाठ करने, तो अपने आप में एक चेतना जैसी जागृत होती है, मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाता है उस समय, बहुत अच्छी अनुभूति होती, बहुत सुख शांति मिलती है माता जी के यहाँ। अच्छा, कुछ कभी ऐसा अनोखा महसूस हुआ आपको जो आम आदमी को ना महसूस होता हो, जैसे कभी माता रानी के दर्शन हुए हो चाहे सपने में, या कुछ कहीं गए हो आपको लगा हो कि हाँ यहाँ पर मैंने माता रानी का नाम ले लिया, ये काम हो ही नहीं सकता था, संभव नहीं था, उसके बावजूद भी संभव हो गया? माता जी के यहाँ हर असंभव काम संभव हो जाता है, ये अनुभव करने की बात नहीं, अनवरत हो रहा है। जो मेरे एक तरफ दिमाग में आता है ये नहीं होगा, लेकिन इनका नाम लेने के बाद वो तुरंत हो जाता है, वो सही सही, वो सपने देखने की कोई बात नहीं, साक्षात है वो। कुछ अनुभव आप अपना बताएंगे? अब अनुभव यही जो कुछ भी हम कहते हैं, हमारा भी पूरा होता है, हमारे साथ में जो भक्त आते हैं माता जी के यहाँ, जो अपने लिए कुछ कहते हैं माता जी से या हमसे कहते हैं, तो माता जी उनकी भी मनोकामना पूरी करते हैं, वही अनुभव है भाई। जो हम देखते हैं किसी की आँख खराब हुई और माँ का दूध और नीर लगाने से उसकी आँख ठीक हो गई, तो इससे बड़ा अनुभव क्या होगा जो हमारे सामने ठीक हो रहा है 2 दिन 1 दिन के बाद दूध लगाने से। माता रानी के चरणों में आप भी लगातार सेवा दे रहे हैं, कितना टाइम हो गया? लगभग हम तो शुरू से जब 7-8 साल के थे तभी से माँ के चरणों में हैं। अच्छा, हाँ यहीं पर सेवा दे रहे हैं जी। घर हमारा तो वहाँ है भूपतपुर,
दुर्योधन दूर हो गए यहाँ से? यहाँ से 30 किलोमीटर है। अच्छा, 30 किलोमीटर तो रोजाना आते जाते हैं, यहीं रहते हैं? जी नहीं, वहाँ से आते जाते हैं। अच्छा, रोजाना आते जाते हैं? हाँ, रोजाना नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं, जब वो बुलाती हैं तो आ जाते हैं। क्योंकि आज रविवार है तो आज इतनी भीड़ नहीं देखने को मिल रही है, नहीं तो सोमवार को और शुक्रवार को यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं। लाखों की तादाद में, बहुत लाखों की तादाद में लोग आते हैं। हाँ, और तो यहाँ पर जितने भी आते हैं, जितने भी लोग हैं श्रद्धालु जो हैं, तो उनका कैसा अनुभव रहता है? उनके साथ कभी कुछ ऐसा वाकया हुआ कि हाँ, जो उनका संभव काम रहा हो यहाँ आने के बाद में संभव हो गया हो, उन्होंने आपको आकर बताया हो? चाहे कितनी भी किल्लत हो, मुश्किल हो, मुश्किल को तुरंत माँ आसान कर देती हैं। किसी को बाल बच्चे नहीं हैं, बाल बच्चे दे देती हैं। कोई रोगी है, उसको निरोग बना देती हैं। कोई दिखाई नहीं पड़ता है तो इस वट वृक्ष का दूध डालने से उसकी आँख की रोशनी पुनः वापस आ जाती है। ये सब माता जी का सब चमत्कार है। महाराज, कुछ विशेष अनुभव रहा है यहाँ पर, आप इतने दिनों से सेवा दे रहे हैं? अरे बहुत अनुभव, हम तो उन्हीं का पूजा कर रहे हैं, उन्हीं का पूजा करवाने जाते भी हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ की पूजन की विधि क्या है, कैसे पूजा होती है, आरती क्या समय है, कि सारी चीज़ें बताएंगे? अब सुबह जो है 4 बजे मंदिर खुलता है, वो मंदिर की सफाई होती है, आरती हो जाती है। शाम को 6 बजे आरती हो जाती है माता जी की। हाँ, यही। अच्छा, कुछ यहाँ पर भक्तगण भी है, इनसे भी हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है, कितनी आस्था है यहाँ माँ बाराही देवी में इनकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय प्रकाश मिश्र है और मैं अयोध्या से आया हुआ हूँ। अयोध्या से आए हुए? अयोध्या तो हनुमान जी के मंदिर के लिए जाना जाता है, ऐसा कहा जाता है, महाबली बैठे हैं वहाँ पर। वास्तव में महाबली वहाँ बैठे हैं, हम जाते हैं दर्शन करने जाते हैं। और मतलब मेन स्थान पे तो हर मंगलवार नहीं जा पाते, लेकिन और जो स्थान है वहाँ हर मंगलवार को दर्शन करते हैं। और माता के यहाँ भी माता आए दिन बुलाती हैं तो यहाँ आते हैं। मान चलिए महीना में एक आध बार हो जाता है, नहीं हो पाता है तो मान चलिए कि दूसरे महीना जब माता जी बुलाती हैं तब आते हैं यहाँ बराबर। और माता से हम, मैं जान जी 2016 से जुड़ा हुआ हूँ, और जब से जुड़ा हुआ हूँ मेरा हर काम जो असंभव था सब संभव में परिवर्तित हो चुका है। ऐसा अनुभव बताइए ताकि जो भी लोग ये देख रहे हैं उनको भी यकीन हो जाए, वो भी यहाँ पर आने लगें। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा अनुभव यही है कि मैं जो आज खड़ा हूँ, जो कुछ है इन्हीं का आशीर्वाद है। और उसके बाद अनुभव की बात है तो मैं जैसे कोई भी कार्य करता था पहले, वो पूरा नहीं हो पाता था। सबसे बड़ी बात है कि मैं UGC नेट की परीक्षा 7 बार दे चुका था और सिलेक्शन मेरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं माता जी के आशीर्वाद से एक बार गया और कुछ नहीं पढ़ करके गया था। लेकिन उस बार अपने आप कम से कम मान चलिए अच्छी मेरिट में मेरा सिलेक्शन हुआ है, इससे बड़ा प्रूव क्या हो सकता है। केवल बस माता का आस्था विश्वास सबसे बड़ा है सर। इसके आगे वो क्या कहूँ, इनकी लीला परम्पार है, जो सच्ची जो भक्त श्रद्धा से इनको माना है उसका हर कार्य संभव हुआ है, होता रहेगा। ये यहाँ की महिमा जो है वो अपरंपार है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भैया? भैया विजय प्रकाश मिश्रा नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले? हम अयोध्या के रहने वाले हैं। आप भी अयोध्या के रहने? जी, साथ में आए हैं दोनों लोग? जी साथ में ही हैं जी। तो आप बताइए, आपका कुछ ऐसा अनुभव रहा हो जो बिगड़ा हुआ काम हो और माता रानी की अरदास की हो, उसके बाद में वो काम पूरा हो गया हो? भैया बिल्कुल पूरा हो गया है। हम पहले ठेका में काम करते थे शुगर मिल में, KM शुगर मिल में, अब हम कंपनी की तरफ हो गए हैं, अब इन्हीं की देन है, कंपनी की तरफ से हो गए हैं। बाकी कोई उम्मीद होती रही नहीं जल्दी, कोई अड़चन नहीं आती, सब माता रानी ने सब पूरा कर दिया। हम लोग तो बहुत दिन से जुड़े हैं ना भैया। हाँ, बहुत दिन से हर काम पूरा होता है। अभी जो इन्हीं हमारे भाई साहब हैं, अब इनके पास स्कूल उस्कूल भी हो गया है। हाँ, माता जी की कृपा है, इंटर कॉलेज भी है इनके पास। हाँ, तो काफी तरक्की कर ली माता रानी की सेवा करने के बाद से। बिल्कुल। चलिए हम और आपको लेकर चलते हैं, जो मंदिर है, मंदिर में जो वहाँ पर साध्वी जी हैं जो पूजा कर रही हैं, माता की सेवा कर रही हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये माता रानी का मुख्य दरबार है, यहीं पर माँ बाराही विराजमान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार जरा वो आए और जो ये दिव्य ज्योति है, दिव्य ज्योति की तस्वीरें यहाँ दिखाएं। आप देख सकते हैं जो दिव्य ज्योति है ये हमेशा जलती रहती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो दिव्य ज्योति है और माता रानी यहीं हमेशा विराजमान रहती है? हाँ, यहाँ यहीं पे विराजमान रहते हैं, ये 24 घंटा दीपक जलती। अच्छा, रहती है माता की ज्योति। माता के चरणों में सेवा करते हुए आपको कितना वक्त हो गया? 37 साल हो गया। 37 साल हो गया जी। तो इस दौरान कभी कुछ ऐसा अनोखा हुआ है जो आपने महसूस किया हो? नहीं, माता जी की अद्भुत कुछ ऐसी ही कृपा हमारे ऊपर हो गई, जो माता की बचपन से सेवा करते चले आए तो फिर माता का आशीर्वाद हो गया तो सेवा कर रहे हैं, अवसर मिल गया है माता जी का।
अच्छा हाँ। यहाँ पर तो तमाम भक्त आते होंगे, तो उन्होंने कभी कुछ बताया कि उनके साथ जो उनके बिगड़े काम बन गए हों माता रानी की कृपा से? हाँ, माता जी के यहाँ भक्त आते हैं तो सभी लोग ने बताया कि हाँ हमारा ऐसे काम रुका हुआ था जो माता जी ने कर दिया। हमारे अभी कुछ 10-15 साल के पहले कुछ ऐसे मेरे हमारे सामने ही ऐसे माता का कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि बिना बच्चेदानी के उसके 2-2 बच्चे हो गए। माता जी का यहाँ पर इतनी बड़ी महिमा है, माता जी के यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। जो कोई मन्नत अपना मांग के जाता है सच्ची आत्मा से तो माता जी उसको अवश्य पूरा करती हैं आज तक। एक चीज और यहाँ विख्यात है काफी, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक नीर है जी, तो जी उसी जो ज्योति जलती है माता जी का सुरंग है उसी के रास्ते से उस साइड में नीर निकलता है माता जी का, उसी को मतलब आंख में लगाने से पुनः आंख की रोशनी तो वापिस आ जाती है। मतलब ये पानी आता कहाँ से है और जाता कहाँ को है, इस बारे में कोई जानकारी? जी, सुरंग से होते हुए उस साइड में बगल में निकलता है माता जी के। अच्छा, अर्घे से होते हुए कहाँ से आता कहाँ से है? जी, जहाँ दीपक जल रही है उसी से सुरंग से मतलब जल वहाँ पे चढ़ता है माता जी का नीर, उसी के साइड से बगल में निकल जाता है, रास्ता बना हुआ है माता जी के होते हुए। आप लोग वहाँ से निकलते, मान लीजिए कोई भक्तगण आता है और उसे जरूरत है तो कहाँ से देते हैं? जी, बगल में है ताखा नुमा, उसी में से निकाल के दे देते हैं। अभी आप दिखा सकते हैं कि इसका भी कोई समय होता है निकालने का? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, उसमें 24 घंटा मतलब मंदिर धुलने के बाद सुबह से लेके शाम तक निकाल सकते हैं, 5 बजे तक दिखा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि चूंकि मुझे भी आप देख सकते हैं आंखों की रोशनी की दिक्कत है तो बिल्कुल। और माता रानी की महिमा जो है इतनी अपरंपार है, अगर हम बात करें यहाँ पर कोई भी जो आता है यहाँ से कभी भी निराश होके नहीं गया। तो मैं चाहूंगा कि एक बार साथ ही साथ आप वो नीर भी निकालिए। हाँ, जी बिल्कुल, और दिखाइए। और हम चाहते हैं कि आप अपना और माता रानी का आशीर्वाद हमें दें। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से नीर निकाला गया है। जी बैठ जाइए, जी माता जी का नीर डालने से पुनः वापिस आ जाती है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से नीर निकाला जाता है और जितने भी श्रद्धालु आते हैं, जितने भी भक्तगण आते हैं, उनको ये नीर उनकी आंखों में ये डाला जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये नीर आंखों में डालने से जो आंखों की रोशनी होती है वो वापस आ जाती है धीरे धीरे करके। तो यहाँ की जो महिमा है, महिमा के बारे में आपने सुना, जो यहाँ भक्त हैं उनसे भी हमने बातचीत की। यहाँ पर एक और भैया है हमारे साथ, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम लक्ष्मण पाठक। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं इस्माइलपुर में। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं, तो यहाँ आप हमेशा आते हैं? हाँ, बराबर आते हैं डेली। तो आपकी मनोकामनाएं जो कुछ आप थी, मुरादें सब पूरी हो? बिल्कुल पूरी हो जाती है माता जी की। ये दर्शकों को हमारे जो आपकी बहुत खास ऐसा रहा हो, जो असंभव लगा हो आपको काम, वो भी पूरा हो गया हो? अरे ऐसा नहीं कोई काम ना पूरा हुआ हो, हर चीज़ यहाँ पूरा हो जाती है। एक बार जो मत्था टेकता है यहाँ, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता के चरणों में हम भी शीश नवाएंगे और हम चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं भी रहते हो आप एक बार यहाँ जरूर आएं माँ बाराही देवी के मंदिर में। आपकी जो भी मनोकामना होगी, मुझे भी विश्वास है कि आपकी मनोकामना जो भी है वो पूरी होगी, माता रानी आपकी सुनेंगी। कोई और सुने ना सुने, जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग, आपके घर परिवार वाले, आपके समाज वाले, हो सकता है हर जगह से आप निराश होकर लौटे, लेकिन माता रानी के दरबार से आप निराश होकर नहीं लौटेंगे, ऐसा मेरा भी विश्वास है। और आप यहाँ आ पाएंगे तो आप भी इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। आप लोगों का अगर आशीर्वाद बना रहा तो मैं यहाँ जरूर आऊँगा। और आप आशीर्वाद दीजिए कि ये जो खबर नवीस है ये तरक्की करे। नहीं नहीं, मेरा पूर्ण रूप से आशीर्वाद है माता जी का। तो आप लोग जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और आइए माता रानी के दरबार में आप भी। जी जी बिल्कुल। और यहाँ आप देख सकते हैं माता रानी की जो आरती है वो यहाँ पर कर रही हैं साध्वी जी। यहाँ पर तमाम जो कपूर है, कपूर यहाँ डाल दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अंदर इसे क्या बोलते हैं? सुरंग। अच्छा, माता जी की सुरंग जो है यहाँ पर, उसमें कपूर जो है डाल दिया गया है। और अब आरती करेंगी साध्वी जी। Thank you.
हो माँ तेरी करुणा परम पार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आगे हमें देखते रहिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।